नरेंद्र मोदी की सरकार है, चीन अपनी एक इंच भूमि पर भी कब्जा नहीं कर सकता, इस प्रकार का शासन नरेंद्र मोदी जी ने दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी पत्रिका न्यूजवीक को दिए एक साक्षात्कार में चीन पर की गई टिप्पणियों के लिए प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए माफी की मांग की। जयराम रमेश ने अपने एक पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री ने कायरता की सभी हदें पार कर दी हैं। जयराम रमेश ने लिखा, अमेरिकी पत्रिका न्यूजवीक को दिए साक्षात्कार में प्रधानमंत्री ने कायरता की सभी हदें पार कर दी हैं। चीन बार बार भारत की संप्रभुता का उल्लंघन कर रहा है, लेकिन इस पर प्रधानमंत्री की एकमात्र टिप्पणी यह थी कि हमारी सीमा पर लंबे समय से चली आ रही स्थिति का तत्काल समाधान निकालने की जरूरत है, जिससे कि द्विपक्षीय वार्ता को गड़बड़ी को पीछे छोड़ा जा सके। जयराम रमेश ने कहा कि पीएम मोदी के पास चीन को एक सख्त संदेश भेजने का अवसर था। उन्होंने कहा, लेकिन उनकी अप्रभावी और कमजोर प्रतिक्रिया से चीन को भारतीय जमीन पर अपना दावा ठोकने के लिए और अधिक प्रोत्साहन मिलने की संभावना है। 2022 में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC के पास चीन के साथ कुछ हुई झड़प में 20 भारतीय सैनिकों की मौत का जिक्र करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि चीन मुद्दे पर पीएम मोदी की प्रतिक्रिया शहीदों का अपमान है। उन्होंने लिखा, चीन मुद्दे पर प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया न केवल शर्मनाक है, बल्कि हमारे उन शहीदों का भी अपमान है जिन्होंने अपनी सीमाओं की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान दिया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री को 19 जून 2020 को राष्ट्रीय टेलीविजन पर अपने बयान ना तो कोई घुसा है और न ही किसी ने कोई पोस्ट पर कब्जा किया है, उसके लिए 140 करोड़ भारतीयों से माफी मांगनी चाहिए और चीन के साथ सीमा की सुरक्षा में अपनी विफलताओं को छिपाकर देश को धोखा देने के लिए माफी मांगनी चाहिए। आपको बता दें कि हाल ही में न्यूजवीक को दिए बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के उदय को अजेय बताया। चीन के साथ भारत के सीमा तनाव के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच शांतिपूर्ण संबंध पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि हमें अपनी सीमाओं पर लंबे समय से चली आ रही स्थिति का तत्काल समाधान निकालने की जरूरत है, जिससे कि हमारे द्विपक्षीय संबंधों की असमानता को पीछे छोड़ा जा सके। भारत और चीन के बीच स्थिर और शांतिपूर्ण संबंध न केवल हमारे दोनों देशों के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र और विश्व के लिए महत्वपूर्ण है। मोदी ने आगे कहा, मुझे उम्मीद है और मेरा मानना है कि राजनयिक और सैन्य स्तर पर सकारात्मक और रचनात्मक द्विपक्षीय जुड़ाव के माध्यम से हम अपनी सीमाओं में शांति और स्थिरता को बहाल करने और बनाए रखने में सक्षम होंगे। ऐसे में कांग्रेस द्वारा पीएम मोदी से चीन पर उनकी टिप्पणियों के लिए माफी मांगने की मांग एक राजनीतिक चाल है, जिसका उद्देश्य आगामी लोकसभा चुनावों में सरकार की चीन नीति पर हमला करना है। कांग्रेस का तर्क है कि पीएम मोदी चीन के प्रति कमजोर हैं और उन्होंने देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए। वहीं दूसरी तरफ सरकार ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वह चीन के साथ सीमा मुद्दे को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वह ऐसा बिना किसी समझौते के नहीं करेगी। बाकी इस बात की संभावनाएं हैं कि चीन पर सरकार की नीति भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के मुद्दे पर आगामी लोकसभा चुनाव में एक प्रमुख मुद्दा हो। कांग्रेस इस मुद्दे का इस्तेमाल सरकार पर हमला करने के लिए करेगी, जबकि भाजपा तर्क देगी कि उसने चीन के सामने एक मजबूत रुख अपनाया है। फिलहाल मैं तनु शर्मा आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ। अब तक के लिए आप देखते रहिए एयर न्यूज़। नमस्कार।